everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome to the channel Simplifying Exams. बच्चों आज हम अपना working institution से related last part को cover करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे different type के institution, for example president, prime minister, judiciary, cabinet minister, state minister, इन सभी से related. तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस class को. टॉपिक है बच्चों हमारा प्राइम मिनिस्टर. अब देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल में सबसे पावरफुल माना जाता है पॉलिटिकल के अंदर. इसका रीजन है, देखिए जितनी भी पावर है रियलिटी में वो प्राइम मिनिस्टर के पास दी गई है, और जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति देश का उसके पास भी बहुत सी पावर है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है, रियलिटी में नहीं है, सिर्फ रिटन में है. अब यहां पर मैं आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करना चाहता हूं. देखिए जो इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ना, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता ही नहीं है. अब आप जानते ही होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं. जी हाँ बच्चों, देखिए हमारे देश के अंदर टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसे हम सीट कहते हैं. तो ये जो सीट होती है वो एमपी की होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो भी जीते हुए पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, इसलिए उन्हें सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं. तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है ना, वो इन्हीं एमपी की वजह से बनता है. जैसे 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो टोटल 543 पे ये इलेक्शन हुआ, जिसमें से बीजेपी ने 303 सीटें जीत ली. अब बीजेपी ने 303 सीट जीत ली, और रूलिंग पार्टी बनने के लिए नीड होती है हाफ नंबर ऑफ सीट की, यानी 272 से प्लस एक, इक्वल नहीं होनी चाहिए. तो यहां तो बीजेपी ने एक्स्ट्रा मेजोरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बना ली है. तो ऐसे में क्या है कि इतने एमपी जो है वो सपोर्ट करते हैं कि जो हमारा लीडर होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे. तो आप देख सकते हैं 2019 से 2024 तक के लिए जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्हें अपने एमपी का सपोर्ट मिला हुआ है. अब एक चीज यहां पे ये भी ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री का जो पद है ना, वो कोई फिक्स्ड नहीं है कि वो 5 ईयर पूरा ही चलेगा, क्योंकि जब तक इन एमपी का सपोर्ट रहेगा तब तक वो अपनी पोस्ट पे रहेंगे. अगर ये एमपी चाहते हैं कि इनका प्राइम मिनिस्टर कोई और हो तो वो बना सकते हैं करंट टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि 5 ईयर ही तो दिया जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. एक बार जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसके जो पावर्स होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. यहां तक तो आपको अच्छे से पता चल चुका होगा. देखिए क्या बात की गई, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स. तो जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है वो इन्हीं के द्वारा करी जाती है प्राइम मिनिस्टर की. ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, डिफेंस डिपार्टमेंट अलग है, फॉरेन मिनिस्ट्री का अलग है. तो ये सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं. हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. तो अगर देखा जाए कि डिपार्टमेंट में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा, तो ऐसे में जो रोल प्ले होता है वो प्राइम मिनिस्टर को होता है. ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप. तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर का काम दे सकता है, उसका काम को चेंज भी कर सकता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. एजुकेशन मिनिस्टर पहले थे रमेश पोखरियाल, उन्हें चेंज कर दिया. अब प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान. तो ये किनके द्वारा किए जा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए. ऐसे अलग अलग जितनी भी, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, इन सबके जो पोस्ट होती है ना वो क्या है, प्रधानमंत्री चेंज कर सकते हैं. ये सारी पावर उनके हाथ में होती है. बस फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो जो मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए. ही ऑल्सो द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर. वो जिसे चाहेंगे उस मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सकते हैं, इतनी पावर है. When the Prime Minister quit, the entire minister quit. लेकिन एक बार Prime Minister ने अपना पद छोड़ दिया, तो जितने भी वो पद है वो सारे के सारे जो भी different departments के बने हुए minister, उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं के ही तो अंडर में काम कर रहे हैं. तो ये चीज है प्राइम मिनिस्टर की पावर से रिलेटेड. आगे हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर. जिनका जो रेशियो रहता है वो यूजुअली 60-80 मिनिस्टर या फिर इसके आसपास ही देखने को मिलता है. इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप ऑफ मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ
द मेजर मिनिस्ट्रीज, जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर है जो अभी के समय सबसे टॉप लीडरशिप मानी जाती है रूलिंग पार्टी बीजेपी की। इसके अलावा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर। तो दूसरे नंबर पे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, जो कि यूजुअली इन चार्ज होते हैं स्मॉलर मिनिस्टर के। और लास्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर आर अटैच टू एंड रिक्वायर टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन देयर वर्क, जो कि एक तरीके से सहायता करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की उनके काम में। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ मिनिस्टर के बारे में। इसके अलावा एक वर्ड यूज होता है कॉलिशन गवर्नमेंट। देखिए, आज के समय में कॉलिशन गवर्नमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर है। देखिए, जब भी कभी लोकसभा के इलेक्शन या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी मार्क को टच नहीं कर पाती, क्रॉस नहीं कर पाती, तो ऐसे में जो रोल प्ले होता है वो कॉलिशन गवर्नमेंट का होता है। अब इसमें होता क्या है, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द मेंबर इन अ लेजिस्लेचर, तो उसे हम कॉलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। बड़ी सिंपल सी है। जैसे अगर मैं यहां बात करूं कि एक स्टेट के अंदर टोटल 70 सीट है, तो उसका जो हाफ मेजॉरिटी मार्क होगा वो 35 प्लस 1 होगा, यानी कि 36 अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सीटें जीत जाती है तो वो वहां की रूलिंग पार्टी कहलाएगी। लेकिन रिजल्ट ऐसा आता है कि कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी बन ही नहीं पाती, क्योंकि किसी ने भी ये जो 36 की जो सीटें है वो जीत ही नहीं पाती। कोई 20 जीत रहा है तो कोई 25 जीत रहा है, तो ऐसे ऐसे करके इसमें क्या होता है, दो या तीन या पार्टी एक साथ मर्ज होती है, जिसे हम कॉलिशन पार्टी का नाम दे देते हैं। तो यही होता है कॉलिशन के बारे में। आगे बात करते हैं द प्रेसिडेंट। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट की रियलिटी में पावर अगर कंपेयर करो प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो कम देखने को मिलेगी, लेकिन रिटर्न में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम एमपीज कहते हैं, और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम एमएलए कहते हैं। तो टोटल 28 स्टेट है, तो इनके एमएलए और साथ ही लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जिन्हें हम एमपी कहते हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो ये यही मेंबर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि आम जनता का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि आम जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव एमपी और एमएलए के बेसिस पे तो भेज ही दिया। अब यही एमपी और एमएलए क्या कर देंगे, देश का जो प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट करेंगे। अब प्रेसिडेंट भी ज्यादातर उसी पॉलिटिकल पार्टी का बनता है जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे प्रेजेंट टाइम में बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो ये 99% चांस होते हैं कि प्रेसिडेंट भी उसी पार्टी का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल रामनाथ कोविंद, तो वो भी बीजेपी की साइड से बने थे। आज के समय जैसे जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो वो भी आप देख सकते हो किसकी साइड से है, बीजेपी की साइड से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर वही बात की जाए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की, तो देखिए द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। इसके अलावा ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। एंड थर्ड है ऑल लॉ एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यू इन द हर नेम, यानी कि जितने भी जो भी लॉ बनेगा जब तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑल मेजर अपॉइंटमेंट सच एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, द गवर्नर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, अम्बेसडर ऑफ द अदर कंट्री आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही की जाती है, लेकिन एक बार बनने के बाद वो डिपेंडेबल नहीं होते प्रेसिडेंट के ऊपर। यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन को देश का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित किया है, अपॉइंट किया है, तो इसके बाद वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रह जाता, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये जितनी भी पोस्ट बताई गई है वो सारी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और साथ ही द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, तीनों सेना। इसके अलावा हाउएवर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही जो प्रेसिडेंट है वो इन सभी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। सो दैट्स द रीजन मैंने आपको बताया था कि रिटर्न में प्रेसिडेंट की पावर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर की पावर सबसे ज्यादा है। लास्ट है बच्चों हमारा जुडिशरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई भी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट को रन करती है,
तो वो रिस्पॉन्सिबल अपने लोगों के लिए तो होती है, इसके अलावा अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करती तो ऐसे में जो जुडिशरी होती है उसका जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोटेक्शन दी गई है ना वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, यानी कि जो भी उसकी रखवाली करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो लोगों के राइट्स है जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, नेक्स्ट लेसन में उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जुडिशरी की जब बात आती है, ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी, जैसा कि हमने पढ़ ही लिया, द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, तो देश के लिए सिर्फ एक ही कोर्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट माना गया है। हाई कोर्ट इन द स्टेट, तो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होती है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट लोकल लेवल, तो ऐसा नहीं है कि हर छोटा सा छोटा केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये जरूरी नहीं होता। कोर्ट के ना कुछ लेवल होते हैं, जैसे कि लोकल होता है, सेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। जो बड़े बड़े मसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं, छोटे मोटे मसले तो जैसे चोरी चकारी वाला वो तो बच्चों कोर्ट तक भी नहीं जाती, मजिस्ट्रेट ही उसे सॉल्व कर देता है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। अब इसके बारे में बताया गया है कैसे कैसे, देखिए नंबर वन हम यहां से शुरू करते हैं, इंडियन जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो जो हमारी जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा जुडिशरी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि जो लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू लिबर्टी, ये सारे सिक्स टाइप के जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक गार्जियन के तौर पे काम करती है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री विच इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, अगर उसे कुछ लगता है कि कुछ ऊपर नीचे कुछ चेंजेस करना है तो वो जुडिशियल रिव्यू के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इंटरप्ट कर सकता है। लास्ट है द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने पढ़ लिया, तो प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। अ जज कैन बी रिमूव्ड, लेकिन जज सिर्फ उसी सिचुएशन में रिमूव्ड किया जा सकता है, ओनली बाय अ इंपीचमेंट मोशन व्हिच इज नियरली इंपॉसिबल, जो कि अपने आप में काफी इंपॉसिबल माना जाता है, यानी अगर कोई वर्किंग जज है ना तो उसे उसकी पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता जब तक अगर वो मिसबिहेव नहीं करता, कुछ गलत काम नहीं करता। तो ऐसे में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा जो पार्लियामेंट के दोनों पार्ट है ना, तो ऐसे में इंपीचमेंट के थ्रू राष्ट्रपति को एड्रेस करते हैं ताकि उस जज को यहां से हटाया जा सके। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड माना जाता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ इतने वोट चाहिए होते हैं तब जाके उस जज को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है, और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो भी चुका है। लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी हार्ड है, यानी इसमें बताएगा नियरली इंपॉसिबल है, ठीक है, ऐसी थोड़ी आराम से सारी चीजें हो जाएगी, तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो ये था इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में, होप सो कि बच्चों आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो यही था हमारे इस लेसन के अंदर वर्किंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में, होप सो कि आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा इन तीन पार्ट्स के अंदर। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और वेट कीजिएगा इस बुक के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लास्ट लेसन के बारे में, जिसमें हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गया, राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या डिफरेंट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। और इसी के साथ हमारा ये जो बुक होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, बाकी हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।